रायपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के सरकारी बंगले पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के सरकारी बंगले पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका निगम ने सड़क को चौड़ी करने के लिए बंगलों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। बुलडोजर अक्सर गरीब की झोपड़ी पर चलता है, लेकिन रायपुर में बुलडोजर इस बार मंत्री के बंगले और राज्यसभा सांसद के बंगले पर चला है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर ने इनकी बाहरी जो दीवार है उसको गिरा दिया है। इनके जो बंगले का साइज है वो अब छोटा हो गया है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सड़क चौड़ी की जा रही है। ये सड़क जो कि जी रोड को कैनाल रोड से जोड़ती है, उस पर ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि इसको चौड़ा किया जाए, और उसी के मद्देनजर ये जो दो माननीयों के बंगले थे उनको, उनके बंगले के जो बाहरी हिस्से हैं उनकी दीवारों को गिराया गया, जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे उनको गिराया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, छाया वर्मा का बंगला है और ये किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी है कि इस जो सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, इसकी जद में कई पेड़ आ रहे हैं, जिसमें सागौन का ये पेड़ है और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको क्या किया जाएगा। सड़क की दूसरी तरफ भी जो पोल्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और पोल्स जो है पैरेलली खड़े कर दिए गए हैं, उसको भी शिफ्ट किया जाएगा, तो कैनाल रोड आसानी से जो मुख्य मार्ग है उससे जुड़ जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले के बाहर जो स्ट्रक्चर खड़ा था उसको गिराया जा रहा है बुलडोजर के साथ। रायपुर से रुपेश गुप्ता, समनापुर में।